संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाषा विज्ञान में कुछ चीज़ों को हमने जान लिया है और जो नेट से संबंधित है लगभग भाषा विज्ञान पूर्ण होने वाला है। और यदि कुछ छूट रहा हो तो जो नेट का अध्ययन कर रहे हैं, जीआरएफ का अध्ययन कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा हो कि कुछ वीडियो और बननी बाकी हैं तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वैसे कोशिश की है कि कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, एक दो चीज़ रह गई हैं उनको हम एक या दो वीडियो में समाप्त कर देंगे। आज अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, ये बहुत आता है और प्रत्येक परीक्षा में जिसमें भाषा विज्ञान लगता है, किसी भी संबंधित परीक्षा हो, वो चाहे पीजीटी की हो या किसी अदर परीक्षाओं में भाषा विज्ञान यदि लग रहा है आपका, तो अर्थ परिवर्तन की दिशाएं या अर्थ विकास इसको बोलते हैं, उनकी दिशाएं ये अवश्य आता है। इसको देखेंगे और मैं बहुत सारे शब्दों को समझाने का प्रयास करूंगा, फिर भी ये शब्द ऐसा नहीं है कि इनसे हटके नहीं आ सकते। प्रयास ये है कि मैंने बहुत सारे शब्दों को बहुत ढूंढ ढूंढ के एकत्रित किया है और आप भी एकत्रित करें, इनसे हटके भी कुछ शब्द हों उनको भी इकट्ठा कर लें, जिससे कि कभी परीक्षा में जाना हो और उसमें वो शब्द आ जाए तो आपसे छूटे ना। परीक्षा में यही उद्देश्य होता है। भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान, इसमें चर्चा चलेगी आज अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, या इसको अर्थ विकास भी बोलते हैं, ठीक है ना। विकास क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब जब मनुष्य आगे को बढ़ रहा है, ज्यों ज्यों मनुष्य आगे को बढ़ रहा है, वो दिन पे दिन तरक्की करते जा रहा है और शब्दों को, जब सब चीज का विकास होता है तो ऐसा नहीं है कि शब्दों की हानि होगी या शब्दों का ह्रास होगा, शब्दों का भी विकास होना शुरू हो जाता है, अर्थों का भी विकास होना हो जाता है, ये ऐसा माना जाता है। इसलिए इसको अर्थ विकास के दिशाएं भी आप मान सकते हैं। मुख्य रूप से तीन ही हैं, तीन ही प्रकार से इनको माना जाता है। सबसे पहला आता है अर्थ विस्तार, ठीक है। अर्थ विस्तार में क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं उनका जो अर्थ होता था पहले कभी वो किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए होता था, लेकिन अब उस शब्द का प्रयोग अनेकों क्षेत्रों के लिए प्रयोग कर लिया गया है, ये इसका अर्थ विस्तार का तात्पर्य होता है। विस्तार का मतलब होता है शब्द था किसी एक विषय के लिए, लेकिन अब वो अनेकों विषयों में प्रयुक्त होने लगा है, ये इसका मतलब है। दूसरा है अर्थ संकोच। अर्थ संकोच ये इसका बिल्कुल उल्टा है। कुछ शब्द थे जो अनेकों अर्थों में प्रयुक्त हुआ करते थे, लेकिन अब वो केवल एक विषय में ही सिमट कर रह गए हैं, संकुचित हो गए हैं, संकोच हो गया उसका, इकट्ठा हो जाना। संकोच का मतलब संकुचित करना, किसी चीज को छोटा कर देना, एक विषय पर ही इंगित कर देना, ये इसका अर्थ है। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है अर्थादेश। अर्थादेश का तात्पर्य है कोई शब्द है वो पहले कभी किसी और शब्द के लिए प्रयोग हुआ करता था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में उस शब्द के अर्थ ही बदल गए। तो इस तरह से ये तीन ही हैं, अर्थविस्तार, अर्थसंकोच और अर्थादेश। अब मैं इनके पूरे एक एक चीजों को, अर्थविस्तार है, अर्थसंकोच है, इनके अर्थों शब्दों को एकत्रित किया है मैंने एक कागज पर, उनको मैं यहाँ लिखने का, इतने सारे शब्दों को मैं हालांकि याद नहीं कर सकता और याद होते हैं लेकिन क्रम से उनको नहीं बता सकता, तो मैं पर्चे के माध्यम से इस पर लिख लिख करके उनको समझाने का प्रयास करूंगा। याद रखना
शब्द तो सभी पढ़े होते हैं, लेकिन आपका केवल मस्तिष्क कितनी कल्पना कर लेता है। इनको याद करने का सिर्फ यही तरीका है, आप उसी समय में चले जाएं। जैसे अर्थविस्तार है, अर्थविस्तार में शब्द पहले कभी हुआ करता था, किस अर्थ में, पहले वहां जाना है आपको, फिर आज के परिप्रेक्ष्य में आना है, फिर ढूंढना है कि हम व्यवहार में इन शब्दों का कैसा प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अर्थ संकोच को जानना है। जब तक हम उन शब्दों के साथ यात्रा नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता आप इनको कंठस्थ करते हैं कर सकते हैं। मैं रटने की विधि को समझाने का बहुत जगह प्रयास करता हूं, जब मैं अध्ययन कराता हूं बच्चों को क्लास में भी, तो उनको बताने का प्रयास करता हूं कि आप कभी भी किसी चीज को किताब की तरह मत रटिए। जब भी हम किताब की या पुस्तक की तरह रटना शुरू कर देते हैं, कंठस्थ करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम बार बार विस्मृत कर जाते हैं, भूल जाते हैं। हम उसको व्यवहार में ले आए चीजों को, और व्यवहार में जब लाया जाता है, जब अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाया जाए। शिक्षा सिर्फ आपकी कल्पना शक्ति का विस्तार करती है, शिक्षा का उद्देश्य यही है। आप जितने काल्पनिक हो जाएंगे, जितनी आपकी कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी, उतनी ही स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, और उतना ही आप अधिक विद्वता की पराकाष्ठा में पहुंचने के कगार पर होंगे। और कल्पना शक्ति के माध्यम से चीजों का आविष्कृत किया जा सकता है, अन्यथा की दृष्टि में नहीं होती। इसीलिए जो विज्ञान होता है, विज्ञान में किसी चीज को प्रैक्टिकल रूप में या प्रयोग के रूप में जब लाते हैं, उससे पहले परिकल्पना नाम का एक प्रयोग किया जाता है। जो परिकल्पना शब्द आता है, जो स्टूडेंट हैं, परिकल्पना, तो उसका प्रयोग किया जाता है। जो पीएचडी कर रहे हैं उनको पता होगा कि पहले परिकल्पना होता है, उसके बाद सारी प्रक्रिया होती हैं। खैर, उस बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। अब मैं एक एक शब्द को बताऊंगा और आपको उन शब्दों के साथ यात्रा कराने का प्रयास करूंगा। छोटा सा आप शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं, पुस्तकों से अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मेरा इसका उद्देश्य यह है कि इन शब्दों के साथ आप यात्रा करना सीख जाएं, तो आपको शब्द फिर वो बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। मैंने शुरू में बताया था, जब मैं शुरू में वीडियो बना रहा था, कि मैं कुछ शब्द को बनाने, पर्यायवाची बनाने का एक तरीका सिखाऊंगा। लगभग 100 से 150 पर्यायवाची शब्दों के पर्यायवाची कैसे बनाए जा सकते हैं, उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है। जब भी जल्दी समय मिलेगा तो उनको बनाने का तरीका सीखेंगे हम। चलिए चलते हैं इसमें थोड़ा सा। इसमें अर्थ विस्तार भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक शब्द है कुशल, ठीक है। अब जो कुशल शब्द है, कुशल उसको माना जाता है, इसके दो अर्थ हैं। दोनों अर्थ के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। आप थोड़ा सा बैक पीछे जाएंगे तो हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो आध्यात्म में बहुत अधिक विश्वास किया करते थे, और आध्यात्म में ध्यान की जो प्रक्रिया हुआ करती थी, ऐसे आसन पर बैठ करके हुआ करती जो कुचालक हो एक तरह से, आसन इसका बनाया जा सके। इसलिए चर्म यानी खाल का भी प्रयोग किया गया, जो चीता है, शेर है, इनकी खालों का भी प्रयोग किया गया था उसमें आसन के रूप में, लेकिन कुश का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था, कुश के आसन बनाए जाते थे पहले। तो ऋषि मुनि जब अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, उन कुशों को लाने के लिए भेजते थे, तो वो दो प्रकार से कुशल माना जाता, कुशान लाती, इसकी जो व्यवस्था बनेगी या व्युत्पत्ति मानिए, कुशान लाती, इस तरह से मान लीजिए। आजकल जो अर्थ है इसका चतुरता के रूप में प्रयोग किया गया है। तो जो कुश लेने जाता था, वो दो प्रकार से कुश लाने में महान माना जाता था, या विद्वान माना जाता है, या प्रवीण माना जाता था, जो भी आप उसकी परिभाषा देना चाहें। एक तो ऐसे कुश को छांट करके लाना जो ध्यान में, योग में, आध्यात्म में सहायक सिद्ध हो सके, इसमें भी कुशों में भी थोड़ी सी पहचान करनी होती थी उसको। दूसरा था कुश को लाते समय, क्योंकि इतना पहना होता है ये, यदि आप उसको काट रहे हैं तो अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी भटक गया तो आपके हाथ कट जाएंगे, तो इतना पहना होता है। इसलिए कुशाग्र बुद्धि इस कुश से ही बनी है, यानी कुश के जैसी तीक्ष्ण बुद्धि, जिसमें वो कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति कहलाता है। तो कुशल पहले जो था, उस व्यक्ति को बोला जाता था जो कुश लाने में निपुण हुआ करता था या पारंगत हुआ करता था। लेकिन आज जो कुशल प्रयोग किया जाता है, वो चतुरता के लिए प्रयोग किया जाता है, चालाक के लिए प्रयोग किया जाता है, निपुणता के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें बहुत सारे शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो अर्थ का यहां क्या हुआ, विस्तार हुआ। क्यों? क्योंकि पहले कुश लाने वाला व्यक्ति कुशल कहलाता था,
और आज के समय में किसी भी क्षेत्र में चालाकी चतुरता रखने वाला व्यक्ति कोई भी हो, वो उसका कुछ से कोई संबंध नहीं रहा, वो व्यक्ति कुशल हो गया। तो विस्तार हो गया इसका, बढ़ गया ये, ठीक है। पहले एक संकुचित एक ही क्षेत्र में था, इसीलिए मैं बता रहा था कि थोड़ी सी इसमें विस्तार में जाएंगे, समय तो लग सकता है, हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी जल्दी खत्म करने का। प्रवीण, इसमें बोला गया है प्रकृष्टो वीणायाम, ठीक है, अर्थात वीणा बजाने में जो प्रकृष्ट हो, जो निपुण हो, कोई व्यक्ति है यदि वो वीणा बजाने में निपुण है, अर्थात वो अच्छे से वीणा बजा सकता है, पारंगत है वीणा बजाने में, तो उसको प्रवीण बोला जाता था। लेकिन आज इसका विस्तार हुआ, जैसे कुश का विस्तार हुआ कुशल का, इसको भी किसी भी क्षेत्र में पारंगत होने को, विद्या में प्रवीण है, हल चलाने में प्रवीण है, बोलने में प्रवीण है, बहुत सारी बातें कर सकते हैं उसमें, प्रवीण शब्द किसी के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है। पहले केवल वीणा को बजाने में जो पारंगत हुआ करता था उसके लिए प्रवीण शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको विस्तार के अंतर्गत रखा गया। एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा है तेल। तेल जो शब्द बना है वो तिल से बना है, ठीक है। अब तिल से जो भी तरल पदार्थ निकलता था पहले समय में, उसको तेल तेल बोला जाता था, लेकिन आज इसका विस्तार हो गया, तो जो तरल पदार्थ किसी से भी निकलता है, चाहे वो सरसों से निकलता हो, पीली सरसों से निकलता हो, लाहा से निकलता हो, किसी से भी, अंडी से भी निकलता हो या मूंगफली से निकलता हो, सभी के लिए तेल बोला गया। लेकिन तेल के साथ में एक चीज प्रयोग कर दी गई, जैसे अब तिल का तेल लेने जाना है, तो तेल अगर शब्द बोलेंगे तो तिल का तेल नहीं देगा व्यक्ति, क्या देगा, पूछेगा किसका तेल दें, तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा, आपको तिल का तेल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, अंडी का तेल चाहिए या किसी और चीज का तेल चाहिए, तो तेल का बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। लेकिन पहले केवल एक क्षेत्र में सीमित था, पहले अगर जाते तेल बोलते तो तिल का तेल आपको दे देते, यहां तक कि आज मिट्टी के तेल को भी तेल बोलने लगे हैं। मिट्टी का तेल हम सब जानते हैं, कैरोसिन जिसको बोला जाता है, उसको भी मिट्टी का तेल बोलते हैं, तो इसलिए इसका विस्तार हो गया। चौथा है गवेषणा। गवेषणा का मतलब होता है गाय की इशणा, इशणा मतलब चाहना, गाय को चाहना या गाय को ढूंढना, यह अर्थ हुआ करता था पहले। कोई व्यक्ति गाय को ढूंढने जाए या गाय की चाह करे, गाय चाहिए या गाय को ढूंढे, तो उसके लिए गवेषणा प्रयोग करते थे। लेकिन अब क्या हुआ इसका, गवेषणा का गाय शब्द तो गायब हो गया, केवल अब रह गया है ढूंढना, आविष्कार करना, खोज करना, ये शब्द रह गया। तो किसी भी क्षेत्र में आप खोज करेंगे, ढूंढेंगे, आविष्कार करेंगे, तो उसके लिए गवेषणा का प्रयोग करने लगे हैं। आविष्कार के लिए हो सकता है ना लगाते हो, लेकिन खोज के लिए और ढूंढने के लिए तो अवश्य ही गवेषणा का प्रयोग करते हैं। पांचवा, अधर। अधर से तात्पर्य पहले लगाया जाता था नीचे का होठ, होंठ जो है दो हैं, अपर ऊपर वाला और नीचे वाला, आज के समय में अधर दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ओष्ठ मात्र के लिए अधर का प्रयोग किया जाता है। तो यह विस्तार हो गया, पहले एक के लिए था, अब दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी में है छठवां, गौशाला या गोष्ठ, ठीक है, ये दोनों शब्द प्रयोग कर सकते हैं इसमें। गौशाला में केवल गाय ही बांधी जाया करती थी, उसी को गौशाला बोला जाता था। आज लगभग अगर एक दो गाय भी बंधी है, बाद बाकी भेड़ भी बंधी है, भैंस भी बंधी है, बैल भी बंधी है, लेकिन उसको भी गौशाला बोला जाने लगा है। ऐसे ही गोष्ठ शब्द है, गोष्ठ शब्द भी गौ के लिए ही है, तो इसमें अभी गोष्ठम, अजा गोष्ठम, गो गोष्ठम, गोष्ठ जैसे तेल शब्द था, तिल का तेल, अंडी का तेल, सरसों का तेल,
नीलगिरी का तेल मतलब किसी का भी तेल था, ऐसी गोष्ठ शब्द जो है अभिगोष्ठम अजागोष्ठम गोगोष्ठम, गोष्ठ शब्द अपने आप में अर्थ छोड़ करके एक विस्तृत क्षेत्र में चला गया है। इसी शब्द से आपने जाना होगा गोष्ठी पड़ा। गोष्ठी जो होता था वो गाय से संबंधी था, आजकल यानी गाय जहां बैठी बैठने की व्यवस्था थी गाय की, वो गोष्ठी के संबंध में प्रयोग किया जाता था या गाय के लिए कोई व्यवस्था की जाती थी। लेकिन आज गोष्ठी क्या हो गई, एक सभा का पर्यायवाची हो गया है। किसी भी क्षेत्र में छात्रों की गोष्ठी, अध्यापक की गोष्ठी या किसी और की गोष्ठी, सामाजिक गोष्ठी, असामाजिक गोष्ठी, गोष्ठी मतलब सभी के लिए प्रयोग होना, इसलिए इसका विस्तार हो गया, इसको याद रखना है। महाराज सातवां, महाराज शब्द पहले राजा महाराजाओं के लिए ही प्रयोग हुआ करता था। आजकल जो भद्र लोग हैं या जो थोड़े से समाज में उच्च स्तर पर विराजमान है उनके लिए भी महाराज का प्रयोग कर देते हैं। महाराज शब्द आजकल के परिप्रेक्ष्य में रसोईया के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये विस्तार हो गया है इसका। कभी कभी महाराज शब्द से दिमाग में नहीं बैठ पाता, लेकिन पहले एक ही राजा के लिए ही प्रयोग हुआ था, आज ये बहुत सारे लोगों को प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको विस्तार के रूप में रखते हैं। मसी आठवां, मसी यानी स्याही। मसी का मतलब होता था केवल और केवल पहले काली स्याही के लिए प्रयोग हुआ करता था, आज किसी भी प्रकार की नीली स्याही, हरी स्याही, गुलाबी स्याही, पीली स्याही, मतलब जो भी स्याही है, स्याही यानी मसी आज तेल की तरह ही हो गया है। केवल मसी बोलना है तो पूछेंगे किस तरह की मसी चाहिए आपको, काली चाहिए, पीली चाहिए, हरी चाहिए, गुलाबी चाहिए, मतलब रंग बताना पड़ेगा आपको। तो इसका क्या हुआ, इसका विस्तार हो गया। पहले समय में केवल एक के लिए थी मसी बोला, काली स्याही आपको दे दी जाती, ठीक है। ऐसे ही है बैल, पशु, गधा, उल्लू। पहले समय में जो प्रिय होते थे ये केवल ये नाम मात्र थे किसी के लिए, आज ये मूर्ख के पर्यायवाची भी बन गए हैं। किसी को भी कहते पूरा बैल ही रहा तू, तो उल्लू का उल्लू ही है, इस तरह से पशु ही हैं सब, गधे ही हैं, तो ये क्या है, उनका अर्थ का विस्तार हो गया है। ये थोड़े से स्पष्टीकरण है, हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, लेकिन एक दो बार अगर देखेंगे और पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करेंगे तो ये कभी भूलेंगे नहीं आप। अब हम अर्थ संकोच में चलते हैं। अर्थ संकोच में जैसे जगत है, जगत है, संसार इसी के रूप में ही है, इसको संस्कृति, इस शब्द का संकोच हुआ है। क्यों, क्योंकि जगत संसार संस्कृति का तात्पर्य होता है जो गतिशील हो, किसी भी चीज के लिए प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये केवल जो लोक है, जो हम जिसमें रह रहे हैं उसके लिए संसार बोला जाता है। ऐसे ही दूसरा है जलद है, दा शब्द लगाते चला, जलद है, बारद है, तोयद है, नीरद है, अर्थात जल देने वाला कोई भी होता था। विस्तार संकोच की बात कर रहे हैं अब, ये पहले जल देने वाले के लिए कुछ भी कोई भी हो सकता था जल देने वाला, लेकिन आज इसको सीमित करके केवल बादल के रूप में इसका पर्यायवाची बना दिया गया है। जलदा मतलब बादल, ठीक है, तो इसका केवल एक क्षेत्र में प्रयोग होने लगा, इसलिए अर्थ संकोच हुआ। यहां एक क्षेत्र में थे, बहुत सारे में प्रयोग होते, इसलिए विस्तार हो गया। यहां बहुत सारे क्षेत्रों में थे, एक क्षेत्र में प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए क्या है, अर्थ संकोच है, इसलिए इसको विशेष याद रखना है। तीसरा है सर्प। सर्प का मतलब था कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो रेंगती हो उसको सर्प बोला जाता था पहले। आज क्या हुआ है, सर्प केवल नाग के लिए, सर्प के लिए ही सर्प बोला जाता है, तो इसका क्या हुआ, केवल एक क्षेत्र में सीमित रह गया। ऐसे ही है चौथा, तटस्थ है, मध्यस्थ, उदासीन, ये क्या थे, तटस्थ, मध्यस्थ, उदासीन यानी कि किनारे पर खड़ा हुआ, बीच में खड़ा हुआ या उसके ऊपर बैठा हुआ, खड़ा हुआ, इस तरह से इसके अर्थ हुआ करते थे। लेकिन आज क्या है, तटस्थ, मध्यस्थ, उदासीन, आइए निष्पक्ष के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं,
निष्पक्ष कैसे? किसी से पूछा जाए कि तुम किसके पक्ष में हो, तो वो कहते हैं मैं तटस्थ हूँ, या मैं मध्यस्थ हूँ, या मैं उदासीन हूँ, या कोई कहे कि ये तो उदासीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो निष्पक्ष के रूप में जो प्रयोग किया जाता है एक ही क्षेत्र में, ऐसे मृग है। पांचवा मृग का मतलब पशु मात्र के लिए प्रयोग किया जाता था पहले, लेकिन आज मृग हिरण के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका क्या हुआ, अर्थ संकोच हो गया केवल एक के लिए, हिरण के लिए। पहले किसी भी पशु के लिए मृग शब्द का प्रयोग किया जाता था। श्राद्ध है, श्राद्ध के मतलब था श्रद्धा से किया जाने वाला, कोई भी कार्य हो सकता है, श्रद्धा के योग्य यो मान के चलिए, लेकिन आज ये मृतों के लिए प्रयोग किया जाता है श्राद्ध पक्ष। अनुकूल प्रतिकूल, आठवां, अनुकूल प्रतिकूल यानी कूल माने किनारा, किनारे के इधर या किनारे के उधर, इस तरह से इसका अर्थ था। तो विस्तार इसका अर्थ था, लेकिन आज क्या हो गया, इसका एक किसी एक क्षेत्र में ही सीमित रह गया है। अनुकूल प्रतिकूल यानी किसी के पक्ष में या विपक्ष में। घृणा, घृणा दया और घृणा दोनों के लिए प्रयोग किया जाता था। घृणा यह है, घृणा दया और घृणा दोनों के लिए प्रयोग होता था, आज सिर्फ घृणा के लिए प्रयोग किया जाता है। वारिज, सरोज, अंबुज, जैसे इसमें था दा प्रयोग देने वाला, इसमें है जा प्रयोग, पर्यायवाची है, आपको याद रखना है। तो इसका तात्पर्य था कि पानी में जो उत्पन्न हो, जल में जन्म लेने वाले, वो कोई भी हो सकते हैं, मछली भी हो सकती है, मेंढक भी हो सकता है, कीड़ा भी हो सकता है, केकड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए प्रयोग करते होते थे पहले। लेकिन आज क्या हो गया, ये केवल और केवल कमल के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसी वारधी है, नीरधी है, अंबुधी है, तुयधी है, जितने भी शब्द हैं ये पहले धारण करने के अर्थ में प्रयोग होते थे। जैसे तालाब है, तालाब भी तो पानी को धारण करता है, कोई बाल्टी है, बाल्टी भी तो धारण करती है, कोई नाद है, नाद भी तो पानी को धारण कर सकता है। तो धारण करने के अर्थ में प्रयोग किए जाते थे, आज ये समुद्र के रूप में केवल एक क्षेत्र में सीमित रह गए हैं, इसलिए ये संकुच हो गए हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। पर्वत, पर्वत का मतलब होता है पर्व। दसवां, पर्वत शब्द है जो पर्व से मिलकर के बना हो, मतलब पर्व से बना हो, पर्व मतलब गांठ, जैसे गन्ना है, गन्ना भी तो पर्व से मिलकर बनी है, बांस है, बांस भी तो पर्व से मिलकर बना है। तो पर्वत उसको पहले कहा जाता था जो जिसमें भी गांठ हुआ करती, तो सबको पर्वत बोला जाता था, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ ये पर्वत यानी पहाड़ों के लिए ही ये सीमित कर दिया गया है। मंदिर, मंदिर भवन के लिए प्रयोग होता था, आज देवालय यानी कि भगवान के जो घर हैं उनको ही मंदिर के रूप में प्रयोग किया जाता। मंदिर कहते ही आप सिर्फ ईश्वर या भगवान जिनकी पूजा करते हैं उनके घर पहुंच जाओगे। सभ्य, सभ्य शब्द सभा शब्द से बना है, अर्थात जो सभ्य शब्द है वो सभा में बैठने योग्य, इसका तात्पर्य हुआ करता था, लेकिन आज सभ्य किसके लिए रहा, शिष्ट के लिए प्रयोग किया जा रहा, जो शिष्ट व्यक्ति हैं, भद्र व्यक्ति हैं उनके लिए। तर्पण, तर्पण का मतलब होता तृप्त करना किसी को भी, लेकिन तर्पण आज श्राद्ध पक्ष में प्रयोग किया जाता है। वेदना, संवेदना जो शब्द प्रयोग हो जाता है, वेदना जो शब्द प्रयोग हो जाता है, पहले सुख और दुख दोनों के लिए प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दोनों में ही वेदना महसूस करते हैं, लेकिन आज जो है केवल दुख के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, इसलिए अर्थ संकोच में प्रयोग किया जाएगा। चलिए और थोड़ा सा इसमें और बढ़ते हैं आगे, अर्थ संकोच में ही ये हमारे अर्थ विस्तार समझ में आएगी है। इसमें अर्थ संकोच के बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगे तो देखना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत महसूस होगी वो अवश्य देखेंगे। तो इसमें अर्थ संकोच के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, क्योंकि अर्थ संकोच थोड़ा सा विस्तृत है। एक प्रोफेसर हुए हैं मिशेल ब्रेयल, इन्होंने एक बात बोली है भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हुए, कि
जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ेगी, यानी कि समाज जैसे जैसे सभ्य होता चला जाएगा, शब्दों के अर्थ संकुचित होते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी थी। और हम ये देखते हैं कि सैकड़ों शब्दों का अर्थ संकोच हो चुका है, अर्थ विस्तार बहुत कम शब्दों का हुआ है, लेकिन ऐसे हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में शब्द हैं जिनका अर्थ संकोच हो चुका है। तो इनमें कुछ और हैं, जैसे समास। समास का जब भी प्रयोग किया जाता है तो वो अर्थ संकोच हो जाता है, वो शब्द समास शब्द ही अर्थ संकोच हो जाता है। जैसे राजपुरुष है, पुरुष शब्द किसी के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राज शब्द जब भी उसमें प्रयोग किया जाएगा, राजपुरुष, तो वो सैनिक के लिए संकुचित हो गया। कृष्ण सर्प है, तो सर्प तो किसी के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कृष्ण शब्द जब भी लग जाएगा उसमें तो क्या होगा, काला सांप उसके लिए संकुचित हो जाएगा। ऐसे ही है खा उपसर्ग। कोई भी धातु है उसके अनेकों अर्थ निकलते हैं, जैसे गम धातु है, गम के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसमें उपसर्ग प्रयोग कर देते हैं, जैसे गम माने जाना होता है, उसमें आ प्रयोग कर देंगे तो आगच्छति जब प्रयोग किया जाएगा तो आना उसका अर्थ हो, संकुचित अर्थ हो गया, एक क्षेत्र में सीमित कर देने को ही संकुचित अर्थ माना जाता है। ऐसे ही प्रत्यय है, ये कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, याद रखना कि इनमें से किसके द्वारा अर्थ संकुचित होगा, अर्थ में इसने अर्थ दे दिए, ये सारे बहुत सारे तो समझ में आता नहीं, कभी कभी भूल जाते हैं इसको। प्रत्ययों के द्वारा भी अर्थ संकोच होता है। तो जब हम देखते हैं कि एक प्रत्यय लगने से किसी धातु में उसका अर्थ बदल जाता है, तो विशेष क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हमने उपसर्ग का देखा था, ऐसी प्रत्यय के बारे में आपको जान लेना चाहिए। विशेषण है, विशेष इस विषय बहुत बड़ा है ये, लेकिन थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है मैंने यहां। विशेषण का मतलब होता है किस चीज की विशेषता बतलाना। कोई व्यक्ति है, जन, जन मतलब व्यक्ति, साधारण व्यक्ति है, लेकिन जैसे हमने कह दिया कि सज्जन, तो उसकी विशेषता हो गई, यानी कि व्यक्तियों में सज्जन व्यक्ति है ये, या दुर्जन, तो दुर्जन जो शब्द लग गया वो उसका विशेषता बतला दी, तो वो विशेष हो गया, संकुचित हो गया उसका अर्थ। ऐसे आप किसी के भी अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। कमल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कह दिया नीला कमल, श्वेत कमल, रक्त कमल यानी लाल कमल, तो वो अपने आप में अर्थ संकुचित हो गया। तो विशेषण शब्द का प्रयोग होते ही शब्दों के अर्थ संकुचित हो जाते हैं। उम्मीद करूंगा ये थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आ पा रही होंगी। नामकरण मात्र से, नामकरण कभी किसी का कर दिया आपने तो समझ लो उसका अर्थ संकुचित हो गया। जैसे कृष्ण है, कृष्ण किसी के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए कृष्ण शब्द प्रयोग कर दिया, काले के भी अर्थ में प्रयोग हो जाता है, तो वो फिर एक नाम हो गया। ऐसी गौरी है, भीम है, युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर मतलब ऐसा व्यक्ति जो युद्ध में स्थिर रहे, इसका सीधा परिभाषा होती है वो इस तरह से होती है। तो किसी भी व्यक्ति को आप युधिष्ठिर कह सकते हैं, लेकिन नाम रखते ही एक व्यक्ति विशेष के लिए संकुचित हो जाता है। तो नामकरण करते ही शब्द अपने आप में संकुचित हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। इसमें एक और है पारभाषिकता, एंड परिभाषा देते ही शब्द की संकुचित हो जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं व्याकरण में, सारी परिभाषाएं जानी है, हमने जानने का प्रयास किया है, संज्ञा, सर्वनाम, और इनमें संज्ञाओं में भी देखिए गुण संज्ञा किसकी होगी, वृद्धि संज्ञा किसकी होगी, अपादान संज्ञा किसकी होगी, ये सारी संज्ञाएं हैं, ये पारभाषिक शब्द हैं, इनको भी अर्थ संकुचित अपने आप से हो जाता है। जैसे हम परिभाषा में लिया उसका अर्थ संकुचित हो गया, इस तरह से ये भी अर्थ संकुच के एक माध्यम है। तो बहुत अर्थ संकुच का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। आशा करूंगा ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत लंबा विषय है लेकिन मैं यहां विस्तृत नहीं बता पाऊंगा, आपको पुस्तकों का थोड़ा सा सहायता लेनी पड़ेगी। कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से, जितना आपको समझ में आ जाता है आप बताना मुझे। अब चलते हैं हम अर्थादेश पर। अर्थादेश में भी यही है, बहुत विस्तृत है ये भी, लेकिन थोड़े से शब्दों को बताने का प्रयास करूं मैं यहां। अब मैं इनको हटा दूं, इनका कोई औचित्य नहीं है। अर्थादेश में
मैंने सब बताया था आपको कि एक शब्द अपने आप के अर्थ छोड़कर के दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे असुर शब्द है। असुर जो शब्द है, पहले असु धन रा इस तरह से इसको व्याख्या किया जाता था, यानी कि प्राण शक्ति संपन्न देवता, यानी देवताओं के लिए प्रयोग किया जाता था पहले। जो प्राणवान हो, प्राण शक्ति संपन्न, प्राणवान प्राण देने वाला, यानी जिसके पास प्राण शक्ति हो, ऐसे देवताओं के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया जाता था। सह शब्द है, सह का मतलब होता था जीतना वेद में, लेकिन आज उसको सहन करने के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका क्या हुआ, बिल्कुल अर्थ बदल गया, यहां असुर बदल गया। अब असुर किसके लिए प्रयोग होता है, राक्षस के लिए। आधनसुर, जो सुर ना हो, देवता ना हो, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तीसरा है देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय होता है देवताओं का प्रिय, लेकिन बौद्ध के जो अनुयायी थे अशोक, उसके लिए देवानाम प्रियो का प्रयोग किया गया, शब्द का प्रयोग किया गया। आगे चल करके ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने इस शब्द को उठा करके मूर्ख में बदल दिया। अब वो ब्राह्मण शब्दों को तो वैसे ही बदनाम किया जा रहा है, कैसे किया गया ये पता नहीं है, क्योंकि भाषा किसी एक ब्राह्मणों के द्वारा ही नहीं चलती, बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो देवानाम प्रिय जो प्रयोग होगा, अब मूर्ख के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, अर्थ एकदम से बदल गया। पा एक है पाषण, पाषंड जो है वो अशोक के समय में एक संप्रदाय हुआ करता था, जिसको दान वगैरह सभी दिया करते थे, लेकिन आगे चल करके यही पाषंड जो है पाखंड बना, अपभ्रंश हो गया या शब्द विकास हुआ, मैं तो विकास ही बोलता हूं इसको, तो क्या हुआ इसका पाखंड बन गया। पाखंड का क्या मान अर्थ निकालते हैं हम, ढोंग, ढोंगी, ठीक है, दिखावा करने वाला। साहस पांचवा है, साहस, साहस जो शब्द हुआ करता था पहले, वो चोर, चोरी या डकैती के लिए प्रयोग किया जाता था साहस। और आजकल जो प्रयोग होने लगा है साहस, किसी भी क्षेत्र में आप उत्साहपूर्वक जो कार्य कर जाते हैं वो साहस बन जाता है, यानी बहुत अच्छा काम किया, ये साहसी है, इस तरह से साहस प्रयोग होने लगा है। तो इसका अर्थ एकदम से बदल गया। जैसे भद्र है छठवां, भद्र, और भद्र का ही एक बिगड़ा हुआ रूप मानिए, अपभ्रंश मानिए, थोड़ा सा और विकसित मानिए इसको, तो भद्दा शब्द बन गया। भद्र का मतलब होता है सुशील या अच्छा, शिष्ट, जो भी अर्थ लगाना है। भद्दा का मतलब क्या हो गया, हम कहते हैं बहुत भद्दा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, तो गंदा अर्थ हो गया इसका, बिल्कुल एकदम इसका अर्थ बदल ही गया, अपोजिट हो जाते हैं चीजें। तो ये अर्थादेश हुआ। वाटिका सातवां है, वाटिका या बाड़ी। अब क्या है कि वाटिका जो है संस्कृत में बगीचे के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन बाड़ी जो शब्द प्रयोग किया गया वाटिका बंगाल में या बंगाली भाषा में, ये मान के चलिए, वो बड़े घर के लिए प्रयोग किया जाता है, घर के लिए प्रयोग किया जाता है बाड़ी, है वाटिका का ही ये एक रूप, ये मान के चलेंगे आप, ठीक है। वर आठवां, ये सभी जानते हैं। अब वर, अब जो प्रयोग किया जाता था पहले श्रेष्ठ के लिए प्रयोग किया जाता था, जो श्रेष्ठ होती थी उनके लिए वर का प्रयोग किया जाता, लेकिन आज वर जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो दूल्हे के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूल्हा शब्द भी अपने आप में, इसमें नहीं बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा अलग बता रहा हूं, दूल्हा शब्द भी पहले दुर्लभ शब्द से बना है, तो वो कैसे हुआ है भाषा विज्ञान में कभी अध्ययन करेंगे तब बताएंगे। तो वर जो शब्द है वो दूल्हे के में अर्थ इसका बिल्कुल बदल गया, अर्थादेश हो गया। ऐसे ही है बौद्ध, बौद्ध का जो विकसित रूप या बिगड़ा हुआ रूप मानिए इसको, यहां पर बुद्धू जो शब्द है वो बौद्ध का ही बुद्धू है, यानी कि अपभ्रंश के रूप में, बौद्ध बुद्ध के अनुयायी, तो बुद्धू मूर्ख बन गया, ये इसी का रूप है बौद्ध का, याद रखना आपको, कभी आ जाए कि बुद्धू और बौद्ध में क्या अंतर, उसमें अंतर नहीं है, बस वो उसको बोलने में जो अंतर आया अपभ्रंश के रूप में मान के चलिए इसको, तो बुद्धू बन गया, और बुद्धू का मतलब यहां मूर्ख हो गया है। ऐसी आकाशवाणी,
आकाशवाणी जो शब्द हुआ करता था, आकाशवाणी, आकाशवाणी जो शब्द थे वो पहले देवताओं के लिए प्रयोग किए जाते थे, देवताओं के द्वारा बोलने वाले शब्द। लेकिन आजकल जो आकाशवाणी प्रयोग किया जाता है ऑल इंडिया रेडियो के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका बिल्कुल ही अर्थ बदल गया, अर्थादेश हो गया इसका। खाद्य, खाद, खाद्य और खाद, खाद्य का मतलब होता है भोज, जिसको आप खा सकें, उसी से खाद्य की उत्पत्ति हुई, अर्थात खाद के रूप में बना यह शब्द। तो खाद किसके लिए प्रयोग किया जा रहा, केवल एक अलग क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जा रहा, खेत में लगाने वाला उर्वरक को खाद का प्रयोग किया जाता है, तो यह अर्थादेश हुआ है। मुग्ध, ग्यारहवां है मुग्ध, मुग्ध का मतलब होता था पहले मूर्ख, लेकिन आज मोहित से संबंधित हो गया है, मोहित होना, मुग्ध होना, ये इस पर मुग्ध हो गया, मोहित हो गया, तो इसका क्या हुआ, मूर्ख और मोहित होना दोनों ही एक दूसरे में अर्थादेश हो गया। करपट, एक शब्द है करपट, करपट शब्द से ही, जैसे बुद्ध से बौद्ध से बुद्ध बना, ऐसे करपट शब्द से कपड़ा बना, तो करपट का जो पहले अर्थ होता था फटा हुआ कपड़ा, लेकिन करपट से शब्द तो कपड़ा बन गया, लेकिन कपड़े का अर्थ किसी के लिए कपड़ा प्रयोग करने लगे, अब जो भी हम कपड़ा लेने जा रहे हैं, अच्छे हो, बुरे हो, बढ़िया हो, खराब हो, ही कपड़ा। तो इस तरह से बहुत जल्दी हमने समझाने का प्रयास किया, फिर बड़ा भी वीडियो हो गया, आप एक दो बार अगर देखने का प्रयास करेंगे और सोच के कल्पना में जाएंगे थोड़ा सा, तो इसमें से आप पिछले 10 साल में हर बार बोलता हूं कि जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें, आप पिछले 10 साल तक के पेपर अवश्य देखें, पता चले कि आपको पढ़ना क्या है और पढ़ाया जा रहा है कि वो आपसे संबंधित है, अन्यथा वैसे ही आप कचरा पढ़ रहे हैं। तो अगर आपके मतलब का हो तब ये अध्ययन करें, अन्यथा ये दृष्टि में छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को पढ़ने की, यूट्यूब पर भरमार है हर चीज की, कब तक पढ़ेंगे। तो आपके मतलब से हो तो अवश्य इसका एक बार अध्ययन करें, और उम्मीद कर रहा हूं और आशा भी है मेरी, और ये मेरा भाव भी है, इसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाता, अब तक तो नहीं गया है, आगे पता नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।